हेलो, मेरा नाम मोहन है। मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं तब भी आम लोगों की तरह अपना जीवन जीता हूँ। आइए मैं बताता हूँ मेरे जैसे लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, अपने साथ एक सफेद रंग की छड़ी रखता हूँ और एक काला चश्मा पहनता हूँ। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ सफेद रंग की छड़ी ही क्यों लेता हूँ। इसका कारण ये है कि मेरी सफेद छड़ी को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मेरे को दिखाई नहीं देता है। छड़ी से मुझे एक फायदा होता है कि मेरे रास्ते में अगर कोई भी पत्थर आता है या गड्ढे होते हैं तो मेरे को पता चल जाता है। इससे मेरे को चलने में सहायता मिलती है। मेरे को छड़ी मेरे आसपास कोई भी आ जा रहा होता तो उससे टकराने से बचाती है। मैं काले रंग का चश्मा इसलिए पहनता हूँ ताकि मेरी कमजोर आंखें तेज धूप से बच सके। आपको लगता होगा कि हम किताबें नहीं पढ़ पाते होंगे और शिक्षा ग्रहण नहीं करते होंगे, तो आप गलत है। हम भी आप लोगों की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए देखें कैसे। हम पढ़ने के लिए एक खास तरह की किताब का प्रयोग करते हैं जिसमें बिंदु होती है जो कि उभरी हुई होती है। उस पर हम अपनी उंगलियां फेरकर उसको महसूस करते हैं और पहचानते हैं। ये उभरी हुई बिंदु से हम अक्षरों की पहचान करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कौन से अक्षर होते हैं। इसके लिए हम एक खास तरह की लिपि सीखते हैं। इसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में सभी अक्षर 6 बिंदुओं के मेल से बने होते हैं। सभी अक्षरों की अपनी एक खास जगह होती है और ये 6 बिंदु जिनके मेल से बने होते हैं उनमें उनकी एक खास जगह होती है। कोई अक्षर एक बिंदु के उभरे होने से बना होता है, कोई 2, तो कोई 3, या तो कोई 4, या फिर कोई 5। सबकी अपनी अपनी जगह होती है और उस जगह पे उभरे भी होते हैं जिसे हम अपनी उंगलियां फेरकर पहचानते हैं। हम जिस खास स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें हमें ब्रेल लिपि सिखाई जाती है और उसको सीखने के बाद हम उस लिपि में लिखी हुई किताबें पढ़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको उस मसीहा के बारे में बताऊंगा जिसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और उस आविष्कार के बाद हम लोगों के जीवन में जहां पे अंधेरा था उसमें उजाला आ गया और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। वो मसीहा है लुई ब्रेल। अब मैं आपको लुई ब्रेल की कहानी सुनाता हूँ। ये लुई ब्रेल का घर है। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। लुई ब्रेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। लुई ब्रेल के पिताजी घोड़े की लगाम बनाने का काम करते थे। उनकी अपनी एक कार्यशाला थी। कार्यशाला में बहुत सारे औजार रखे होते थे जो कि बहुत पहने और नुकीले होते थे। एक दिन लुई ब्रेल
कार्यशाला में आकर खेलने लग गए थे। खेलते खेलते एक औजार जो कि चाकू की तरह नुकीला था उनकी आंखों में जाकर लग गया। उस औजार के लगते ही ब्लू ब्रेल की आंखों से खून बहने लगा। परिवार वालों ने उसकी चोट को साधारण समझकर उसकी पट्टी कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको उस आंख से दिखना बंद हो गया और धीरे धीरे उनको दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया। परिवार की लापरवाही के वजह से लुई ब्रेल पूरी तरीके से दृष्टिहीन हो गए थे। लुई ब्रेल को अपने इस परिस्थिति की आदत सी हो गई थी। वह बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र और प्रवीण बुद्धि के थे। उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती थी। वह अपनी इस जिज्ञासा के वजह से बहुत ही जल्द बहुत सारी चीजें सीखने लग गए थे। उनकी एक जिज्ञासा को देखकर चर्च के पादरी ने उनका दाखिला पेरिस के एक दृष्टिबाधित विद्यालय में करवा दिया था। उस विद्यालय में ब्रेल, गणित, भूगोल, इतिहास जैसी चीजें सीखने लग गए थे। एक दिन उनके विद्यालय में सेना का एक कैप्टन चार्ल्स बार्बियर मिलने आया। उन्होंने एक लिपि बनाई थी जो कि 12 बिंदुओं पर आधारित थी। उन्होंने उस बिंदुओं की लिपि के बारे में बताया। लुई ब्रेल ने इस भाषा में सुधार करते हुए 12 की जगह 6 बिंदुओं का उपयोग करके अपनी एक लिपि का आविष्कार किया। इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। लुई ब्रेल ने जब इस लिपि का आविष्कार किया तो उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन उस वक्त उनकी भाषा को मान्यता नहीं मिली थी और उनकी भाषा का मजाक भी बनाया गया। लुई ब्रेल ने धीरे धीरे इसमें और सुधार किया और इसको और अधिक प्रमाणिक बनाया। वो एक दृष्टिबाधित स्कूल में अध्यापक के रूप में दूसरे दृष्टिबाधित बच्चों को उस लिपि के द्वारा पढ़ाते थे, लेकिन उनकी लिपि उनके अपने विद्यालय तक ही सीमित रह गई थी और उनके विद्यार्थी ही उस लिपि के बारे में जानते थे। धीरे धीरे उनकी एक यह लिपि सारे में प्रचलित होने लगी थी, लेकिन उसको अधिक मान्यता नहीं मिल पाई थी। 43 वर्ष की आयु में वो बीमारी से ग्रसित हो गए और 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद ब्रेल लिपि को प्रामाणिक रूप से मान्यता मिली और ये भाषा आज भी दुनिया भर में मान्य है। लुई ब्रेल सिर्फ पेरिस के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन मानव जाति के लिए ईश्वर थे। वह संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन लोगों की भाषा के जनक है। 4 जनवरी 2009 को जब लुई ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब भारत में
इनके सम्मान में इनका डाक टिकट जारी किया था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।